शहर बिदर में आग, हलत केरे से गोले खाने तक पागल कुत्तों का इंसानों पर हमला, 20-25 लोग जख्मी जिसमें बूढ़े जवान लेडीज भी शामिल है। बुरी तरह जख्मी लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ब्रिंस में लगाया गया है, इनको एडमिट किया गया है। और इसका जिम्मेदार है कौन? CMC काउंसलर और एक्स काउंसलर की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों की हिफाजत करे। हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ इंस्पेक्टर जो शहर बिदर वार्ड वाइज का होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों की हेल्थ की फिक्र करे। ना नालियों का साफ सफाई होता है और ना रोडों का बनता, ना UGD का काम होता, ना 24/7 का पानी होता काम होता, और लोग इतने परेशान है अभी तो कुत्तों का भी काटना चालू हो गया है। 1-2 साल से कई सोशल मीडिया बिदर में न्यूज़ें आती है, पेपर्स आते हैं, फोटोस आती हैं, लेकिन CMC और एक्स काउंसलर के और मिनिस्टर MLO के कान में जू तक नहीं जाती। ऐसा कब तक चलेगा? किसी की मौत का इंतजार है क्या? CMC बिदर और प्रशासन बिदर और नेता बड़े बड़े लेगा गली के लीडरों को। क्या कुत्तों की जान इंसान की जान से ज्यादा है? क्या कुत्तों का खात्मा करना कोई गुनाह है? क्या कुत्तों को भगाना बिदर से क्या गुनाह है? प्रशासन जवाब दे इसका। कहाँ से आ रहे हैं आप? कान के पीछे ये देखो, ये भाई साहब को कान के पीछे कतरा हुआ है कुत्ता। कान पे कतरा था आपको? आपको कौन सा एरिया? हरगिरी। हरगिरी का? हरगिरी से। कुत्ते को नहीं देखा? तुम आप जाते हो?